सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से लंबित पड़े अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की आज सुनवाई हुई, जहां हिंदू संगठनों के तर्क के बाद आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की और कहा कि इस्लाम में मस्जिद की अहमियत है, यह सामूहिकता वाला मजहब है। इस दलील पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष फैसले में देरी की साजिश रच रहा है। दरअसल राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए हिंदू संगठनों की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि विवादित स्थल पर मंदिर बनने दिया जाए, मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल को छोड़कर कहीं भी मस्जिद बनवा ले। इसे लेकर 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील भी दी थी कि बाबरी मस्जिद के लिए विशेष स्थान और जगह का कोई महत्व नहीं है, जबकि राम जन्मस्थली का धार्मिक महत्व है। ऐसे में राम जन्मस्थल को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। हिंदू संगठनों की दलील के बाद आज मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट में अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि मस्जिदों को मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता, सैकड़ों लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं, क्या इसे धर्म की जरूरी प्रैक्टिस नहीं माना जाना चाहिए? इस्लाम में मस्जिद की अहमियत है और यह सामूहिकता वाला मजहब है। वहीं मुस्लिम पक्ष की इन दलीलों से उत्तर प्रदेश सरकार भड़क उठी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मस्जिद की वैधता को लेकर कभी सवाल नहीं किया गया, मुस्लिम पक्ष मामले को टालने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसी दलीलों से ये मामला और कई सालों तक लंबित रहेगा। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।